चंबल हमेशा से डाकुओं का गढ़ रहा है। इस बेहण से एक से बढ़कर एक डाकू पैदा हुए हैं। फूलन देवी मानसिंह जैसे डाकुओं का पैदा करने वाले इस बेहण में एक समय मलखान सिंह नाम के डाकू का भी बोलबाला था। मलखान सिंह की पूरी इलाका थर्राया था। हम आपको मलखान सिंह की पूरी कहानी बताते हैं। मलखान सिंह पर हत्या और डकैती के हजारों मामले दर्ज थे। मलखान सिंह के डकैत और फिर डकैत के सामान आदमी बनने की कहानी दिलचस्प है। मलखान सिंह ने अपने गांव के सरपंच पर आरोप लगाया था कि उसने मंदिर की जमीन हड़प ली। मलखान ने जब इसका विरोध किया तो सरपंच ने उसे जेल भिजवा दिया और उसके दोस्त की हत्या करवा दी। कहा जाता है कि वह सरपंच एक मंत्री का करीबी था और पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती थी। विरोध स्वरूप मलखान सिंह ने राइफल उठा ली और खुद को बागी घोषित कर दिया। मंदिर की 100 बीघा जमीन को मंदिर में मिलाने के लिए उन्होंने हथियार उठाए थे। उस दौरान वे पंच भी थे। 70 के दशक में चंबल घाटी के गांव में आतंक का पर्याप्त बन चुके मलखान सिंह को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल था। उससे भी ज्यादा उसे पकड़कर जेल में रखना मुश्किल था। मलखान ने करीब 1983 तक चंबल घाटी पर राज किया। आत्मसमर्पण के बाद उसे भूदान आंदोलन के तहत मिली जमीन भी दे दी गई ताकि वह सामान्य आदमी के रूप में अपना गुजर बसर कर सके। मलखान सिंह ने पंचायत चुनाव लड़ा था और इसमें जीत भी हासिल की थी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।